सम्माननीय साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों जय हिंद। इस कालखंड में हम आगत ध्वनियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे और आगत ध्वनियों के अंतर्गत नुक्ता क्या होता है, नुक्ता किन किन वर्णों में प्रयोग किया जाता है, साथ ही नुक्ता वाले वर्ण जिन शब्दों में प्रयुक्त होते हैं और बिना नुक्ता वाले जो शब्द होते हैं उनमें क्या अंतर है, अर्थात उनके अर्थ में क्या अंतर होता है, इस संदर्भ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं आगत ध्वनियां और विशेष तौर से हम आगत ध्वनियों के अंतर्गत नुक्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आगत ध्वनियां क्या होती हैं या हम आगत ध्वनि किसे कहते हैं। ऐसी ध्वनियां या उच्चारण जो अन्य भाषाओं जैसे कि उर्दू, फारसी, अंग्रेजी से हमारी भाषा हिंदी में आए हैं आगत ध्वनियां कहलाती हैं। जैसा कि मैंने आपको पढ़कर बताया कि ऐसी ध्वनियां जो हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं से ली गई हैं या दूसरी भाषाओं से आ गई है प्रयोग के आधार पर, तो ऐसी ध्वनियों को हम आगत ध्वनियां कहते हैं। आगत का अर्थ मैंने लिख दिया है आया हुआ, नाम से स्पष्ट है आगत शब्द कहें या आगत ध्वनि कहें। यदि आगत ध्वनि की बात है तो आगत ध्वनि का अर्थ यह होगा कि आई हुई ध्वनियां, अर्थात दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में आई हुई ध्वनियां जिनका प्रयोग हम अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए करते हैं, हम उन्हें आगत ध्वनियां कहते हैं। और आगत ध्वनियों में विशेष तौर से नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नुक्ता की। तो नुक्ता क्या होता है, मैंने यहां लिखा है क, ख, ग, ज और फ वर्णों के नीचे बाएं तरफ, यानी वर्ण जो वर्ण है मैंने यहां लिखा है क, ख, ग, ज और फ, इन वर्णों के नीचे बाएं तरफ यानी बाईं ओर, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं ये बाईं ओर, ठीक है, जो बिंदु लगाया जाता है उसे नुक्ता कहते हैं। यहां आप देख रहे हैं इसका उच्चारण और इसके उच्चारण में अंतर है। इसका जो हम क करते हैं उसका क, ठीक है, इस बार ये ख और ये खो, इस तरह इसका उच्चारण ग, इसका उच्चारण ग और इसका उच्चारण है ज और यहां पर करेंगे ज और इसका उच्चारण फ और इसका उच्चारण फ। तो इस तरह इनके उच्चारण में भी अंतर आ जाता है। इन वर्णों का उच्चारण परंपरागत वर्णों से थोड़ा भिन्न होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको उच्चारण करके बताया। हो सकता है कि इसमें आपको अंतर करने में थोड़ी दिक्कत हुई हो, किंतु जब मैं इसका उच्चारण कर रहा हूं तो मुझे पता है कि इनका उच्चारण में अंतर कर रहा हूं। जैसे मैंने यहां बोला, ये बोला मैंने फ, फ के बाद सीधे अ की ध्वनि आती है, ठीक है, अ आपको सुनाई देता होगा फ, ठीक है, पर इसका उच्चारण करेंगे फ, फ, ठीक है, इस प्रकार उच्चारण होता है, ठीक है। और नुक्ता जो शब्द है यह शब्द उर्दू भाषा का शब्द है, ठीक है, नुक्ता। तो आप इनके उच्चारण को भी समझ गए होंगे, ये बार बार प्रयास करने के पश्चात ही हमको समझ में आएगा कि इनमें क्या अंतर है। परंपरागत व नुक्ता वाले समोच्चारित शब्दों के अर्थ में अंतर। विद्यार्थियों अब हम नुक्ता और बिना नुक्ता वाले शब्दों में अंतर को समझने के लिए कुछ उदाहरणों को देखते हैं। यहां आप देखेंगे कि शब्दों का एक जोड़ा दिया हुआ है, ठीक है, और उन शब्दों में एक शब्द में बिना नुक्ता वाला वर्ण और दूसरे शब्द में नुक्ता वाला वर्ण प्रयुक्त किया गया है, और ये दोनों जो शब्द हैं वो समोच्चारित है, जैसा कि ऊपर शब्द लिखा गया समोच्चारित, अर्थात समान उच्चारण वाले शब्द। हमारे मुख से जो आवर्तनी होगी वो लगभग एक समान लगेगी, किंतु थोड़ा सा बिल्कुल सूक्ष्म अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो हम इनके अर्थ को समझते हैं। यहां पर देखिएगा, पहले जोड़े में पहला शब्द है बिना नुक्ता वाला खुदा, ठीक है, और इसका अर्थ होता है जमीन का खोदा हुआ भाग। जमीन पर यदि कहीं कुछ खुदाई कर दिया जाए तो हम उसका प्रयोग कर सकते खुदा। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो जैसा शब्द हो सकता है कि आप उधर से ना जाए, उधर खुदा हुआ है, मतलब वहां जमीन खोद दी गई है। किंतु नुक्ता वाला वर्ण जहां पर है जिस शब्द में है उसका उच्चारण कैसे होगा, खोदा। अब यहां पर इस खुदा का मतलब होगा भगवान या ईश्वर, या हम इसको अल्लाह कहते हैं, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं दूसरे शब्द के जोड़े। यहां देखिए अर्क,
इस अर्क का मतलब है सूर्य और यहाँ पर क में नुक्ता लगा हुआ है, इस जगह अर्क, अर्क का मतलब होगा रस। ठीक है, अगला जगह देखेंगे तो यहाँ पर बिना नुक्ता वाला है ये शब्द सजा, और इस सजा का अर्थ है सजाना। जैसे वाक्य में प्रयोग करें, इस कमरे को सजा दीजिए। ठीक है, किंतु नुक्ता वाला वर्ण देखिए इसका उच्चारण क्या होगा, सजा, और इस सजा का अर्थ होगा दंड। ठीक है, और चौथा जोड़ा है यहां पर देखिए बिना नुक्ता वाला जरा, और इस जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, और यहां पर जरा, इस जरा का मतलब होगा थोड़ा। तो यहां पर देखिएगा ज और ज, इसमें अंतर है उच्चारण में, तो इनके अर्थ में भी अंतर आपको देखने को मिला। आगे हम देखते हैं पांचवा जोड़ा, यहां पर बिना नुक्ता वाला खार, इसका मतलब होगा छार, और यहां पर नुक्ता लग गया है इसका में, तो यहां जाएगा खार, तो इस खार का मतलब होगा कांटा। और आगे देखेंगे छठवा जोड़ा, बिना नुक्ता में सखी, इस सखी का मतलब होगा सहेली। ठीक है, और जब नुक्ता लग जाएगा खामित क्या हो जाएगा, सखी, और इसका अर्थ होगा दाता या दानी। सातवां जोड़ा देखेंगे बिना नुक्ता में फलक, इसका मतलब होगा तख्ता, और नुक्ता लग जाए फल में तो क्या जाएगा, फलक, फलक, और इसका अर्थ होगा आसमान। आठवां जोड़ा देखेंगे बिना नुक्ता में जमाना, इस जमाना का अर्थ होगा व्यवस्थित करना, या बर्फ को जमाना या आइसक्रीम जमाना, यह आसान हो जाएगा, तो व्यवस्थित करना या ठोस करना। ठीक है, इसका मतलब हुआ ये जमाना का, परंतु नुक्ता लग जाए भी, यहां पर आप देख रहे हैं जमे नुक्ता, ये क्या हो जाएगा, जमाना, जमाना, इसका मतलब होगा युग, काल या समय। दसवां जोड़ा देखिएगा बिना नुक्ता में खैर, इसका मतलब होगा कथा, और नुक्ता जब लग जाए तो खैर, इसका मतलब होगा कुशलता। जैसे कहते हैं कि आप खैरियत से तो हैं, है ना, तो ये आशय हो जाएगा। ग्यारहवां जोड़ा देखिएगा यहां पर बिना नुक्ता में राज, और इस राज का मतलब होगा राज्य, और नुक्ता लग जाए जब इनका जगह राज, तो इस राज का मतलब होगा रहस्य। आगे देखिएगा यहां पर बिना नुक्ता में जंग, इस जंग का मतलब होगा लड़ाई, और नुक्ता लग जाए जब इनका जगह जंग, तो इसका मतलब होगा लोहे का मोर्चा। आगे हम देखेंगे तेरहवें जोड़े में बिना नुक्ता में कफ, और इस कफ का मतलब बलगम, और यदि नुक्ता लग जाए फमेट क्या हो जाएगा, कफ, इस कप का मतलब ये आस्तीन, ठीक, आस्तीन का छोर। और चौदहवा जोड़ा देखिएगा यहां पर कतरा, कतरा का मतलब किसी से बचकर निकलना होता है, और यदि नुक्ता लग जाए कामित का जाए कतरा, इसका मतलब होगा बूंद या पानी। तो विद्यार्थियों साथियों, मैंने यहां पर आपको उदाहरणों के माध्यम समझाने का प्रयास किया, और इसके उच्चारण में भी आपको थोड़ा अंतर बताने का प्रयास किया। हो सकता है कि आपको अंतर समझ में न आया हो, क्योंकि ये समोच्चारित है, एक समान उच्चारण वाले हैं। ठीक है, देखिएगा आजकल जो नुक्ता का प्रयोग है, जो कि अरबी और फारसी भाषा से हिंदी में आए हैं, तो हमारी हिंदी भाषा में इनका प्रयोग अब लुप्त प्राय हो रहा है, यानी इनका प्रयोग जो है वो लुप्त हो रहा है, इनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, नुक्ता का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो इसका अर्थ कैसे समझते हैं, किसी वाक्य में जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है और नुक्ता न लगा जाए, तो उसके जो साथ में जो वर्ण शब्द आए हैं उनके आधार पर उसका अर्थ लगा लिया जाता है। जैसे यहां पर देखिएगा ये जंग, इसका हम प्रयोग करते हैं, यदि मैं ये कहूं कि लोहे में जंग लग गया है, तो यहां पर जंग का अर्थ होगा लोहे का मोर्चा, और यदि हम ये कहें कि सिपाही जंग पर गए, तो यहां पर जंग से ऐसा क्या हो जाएगा, लड़ाई से हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसमें नुक्ता नहीं है, किंतु जो उनके साथ में शब्द आते हैं, जिस वाक्य में शब्द आते हैं, उनके आधार पर हम उनका अर्थ समझ लेते हैं। अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदी के पांच वर्ण ऐसे हैं जिनमें नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं क, ख, ग, ज और फ, इनमें नुक्ता का प्रयोग होता है, और नुक्ता लगाने पर इनके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। हिंदी भाषा की ये बारीकियों को भी समझना हमारे लिए आवश्यक है। ये आगर ध्वनियां हैं, ठीक है, नुक्ता उर्दू से लिया गया शब्द है, ठीक, और नुक्ता लगने के पश्चात उनके अर्थ में क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको काफी रोचक और ज्ञानवर्धक लगा होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ अब इस कालखंड में विदा लेता हूँ।
अगले कालखंड में किसी नई जानकारी नए प्रकरण को लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।